जो बोलते ना कि मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्म करते चले जाओ। तो बस हमने कर्म किए और अच्छा, बहुत पूरी ईमानदारी से सबने, पूरी टीम ने मेहनत की है, जिसका असर देखने को मिला कि सब ताली बजा रहे थे और वंस मोर की गूंज थी, बहुत पसंद किया लोगों ने, दैट्स गुड। एंड एज इट इज ये महादेव जी के ऊपर से गाना है और लक्ष्मी नारायण जी ने इसे कंपोज किया है और लिखा भी है। इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग और हम दोनों ही महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो होपफुली लोगों को पसंद आए। और ये बहुत बहुत ही स्पिरिचुअल सॉन्ग है और इसके एक एक लिरिक्स और संगीतन है, आई एम श्योर आई वॉन्ट टू सी दीडियो। तो शी हैज़ रॉक्ड एंड महादेव जी बस इस गाने को हिट करें और लोगों को पसंद आए। आई वॉज फीलिंग वाओ कि ये शिव जी का गाना है और मैं बहुत बहुत मानती हूँ महादेव जी को, तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस ट्रैक के लिए। और व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग द सॉन्ग मेरे गूज़बम्स हो गए थे, मतलब इतना अच्छा गाना है। एंड संगीता ने, आई एम श्योर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये कब रिलीज हो। और पूरा जो जर्नी है सॉन्ग रिकॉर्डिंग से लेकर, शूटिंग से लेकर, और उसके बाद लोकेशन ये सब करना, और आज हम लोग रिलीजिंग पर है और आप लोगों के सामने हैं, ये पूरा एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब ये शिव जी की लीला में ही है पूरा, मतलब उन्हीं के भक्ति में ही है। बाब लिया गोरन शिव की मैं जोगन, मतलब सोते जाते जागते उठते बैठते दिन रात दिमाग में सिर्फ यही गाना गूंजता है। और इतना ज़्यादा मन को शांति मिलती है ना कि दुनिया कुछ नहीं है, नश्वर है, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये अपने आप को शिव जी की महिमा में, उनकी भक्ति में लगा दो, तभी आपका बेड़ा पार होगा, इतना समझ में आ गया है। एक्चुअली इस गाने के लिए हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया था, ये जो भी प्लानिंग है ये बस शिव जी की थी और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी पूरी टीम, जो हमारे डायरेक्टर हैं राजीव रैया जी और लक्ष्मी नारायण जी म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे जो कोरियोग्राफर है देव थापे जी, अमन कुमार, रितु जी, हम सब शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने ये स्क्रिप्ट रची, उन्होंने ये प्लानिंग की और हम लोगों ने इसमें पूरा अपना मेहनत किया और आज आप लोगों के सामने है दिवाली। रितु जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, दिवाली का अवसर होता है, सभी लोगों को पहले तो दिवाली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐड मैं क्या करूं, मतलब शिव जी ने इतना अच्छा, संगीता थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी सिंग दिस सॉन्ग, बिकॉज़ आपने इतना दिल से गाया है ना कि उसको एक्ट करने में उतना ही मजा आया। और ये गाने का जो लाइन है ना, बावली क्रिएटर्स हैं, इतना मतलब मैं झूम गई उसके अंदर, मैं सच में बावली हो गई। मैं खुद ही बावली हो गई हूँ और क्या कहूँ, मतलब आई एम जस्ट वेटिंग टू हियर इट एंड watch the video. रितु जी अगर दो लाइन अगर हो जाएगा, आई वॉन्ट टू कॉल लक्ष्मी नारायण जी जिन्होंने ये गाना क्रिएट किया है एंड कंपोज किया है, तो लक्ष्मी नारायण जी प्लीज। नमस्कार सभी को, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिव के जो भी जो सॉन्ग्स बना है सब, पूरी टीम हमारा उसमें सब लोग मिलजुल के सब ने काम किया है, सबकी पूरी पूरी मेहनत है। और आपको दो लाइन सुनाऊंगा, बावड़िया घोरन हूँ शिव की मैं जोगन हूँ, शंभु की पुजारन हूँ, घटा काली घटा नार महाकाल गंदा की चकोरन हूँ, हर 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 महादेव देवों के है ये देव, हर 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 महादेव देवों के है ये देव, हर हर गोरन हूँ शिव की मैं जोगन हूँ। पूरा आशीर्वाद आप लक्ष्मी नारायण जी, थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी की।
लक्ष्मी जी की भी बरसात हो, क्योंकि दिवाली इज लाइक लक्ष्मी जी का कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। देखो सबने गाना देखा, अप्रिशिएट किया, उससे बड़ा रिएक्शन तो कोई होगा नहीं। वैसे पूरी की पूरी जो हमारी टीम है वो सब शिवजी के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और सबका मन था कि एक शिवजी के ऊपर गाना बनाएं। एसटीडीज के साथ हमने एक पहला गाना बनाया था बॉलीवुड, जो ऑलरेडी हिट नंबर पे चल रहा है, अभी ये सेकंड गाना है एसटीडीज का। और राज शिवजी के इस सॉन्ग का सवाल, तो रात को 4 बजे संगीता जी को फ़ोन आया, 5 बजे मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे गाना करना है। मैं बोला सुबह 5 बजे, तब उन्होंने लाइन सुनाया तो बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद इस गाने का प्लान फिर सब लोग एक बाई एक वन बाई वन करके हम सब लोग मिले और इस पर डिस्कस किए, और डिस्कस करके फिर इस पर अपना लक्ष्मी नारायण सर इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, और अच्छे से पूरा लिखा कम्प्लीट किया। फिर बाकी दर्शाने वाले ये हमारे डायरेक्टर सर। डायरेक्टर आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए मैं ऑलरेडी एक मेरी फिल्म आ रही है लव यू शंकर डिज्नी के लिए, शंकर भगवान के ऊपर ही है, तो मैं बहुत ज़्यादा 1.5 साल से शंकर भगवान के अंदर मतलब वो हूँ। तो जब ये गाना मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा कि उस गाने में एक बोनस आ गया, पिक्चर में एक बोनस आ गया। तो जब हमने कॉन्सेप्ट सोचा इसके बारे में, तो सबसे पहले हमने लुक के ऊपर डिसाइड किया कि लुक क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर का लुक क्या होनी चाहिए। फिर गाने में तो आपको पता है शिवजी है, तो शिवजी का एक कैरेक्टर चाहिए था हमें कि वो लगे शिवजी जैसा। तो अमन से हमने देखा इसको, हमने पूरा का पूरा आउटफिट पहनाया, इससे डांस करवाया, कोरियोग्राफर किया, जिसमें देव साहब जो हमारे कोरियोग्राफर है उन्होंने बहुत मेहनत की इनके ऊपर। उसके बाद फिर संगीता जी का कम से कम 10 बार लुक टेस्ट किया गया था, कपड़े पहना के 10 बार की कौन सा गेटअप शूट करेगा। उसके बाद एक फाइनल गेटअप हुआ जो आप लोग ने देखा, और फिर गाना लाइन अप हुआ। सर वो तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन ऐसा हुआ कि जब वहाँ उन शूट के लिए पहुँचे वहाँ पे, और वो गेटअप जब मुझे पहनाया गया, उसके बाद मुझे कुछ भी कुछ नहीं मालूम, शिव बाबा का आशीर्वाद क्या लगा कैसा किया, बस उनको मालूम। एक इसकी बात तो बाकी आप लोग को और जो भी है इनकी एक बात से कहना चाहूँगा, जब हमने शिवलिंग के सामने शूट किया था तो तांडव, जो कि आपको पता है अपने आप में, और उसमें एक्चुअली क्या हो गया था कि हमारे प्रोड्यूसर वाले से हमने वो मंगाई थी, क्या बोलते उसको हमने, शिव बाबा का नाम लेते थे, वो उनकी राख होती है, तो वो कहीं मिली नहीं, तो वो ओरिजिनल लेके आ गए। तो आप सोच सकते हो वो ओरिजिनल लगाना बॉडी पे, वो भी शमशान की राख, तो इनको जब लगा दिया गया तब शिवलिंग था, तब इनका जो था रुतबा ही चेंज हो गया वहाँ पर। और हम लोग सब बोले थे कि कोई सब ऐसा नहीं कि अभी कट बोले या स्टॉप बोले, लेकिन इनका एक अलग ही वो रंग दिखा था उसका। नहीं, इट्स वॉज प्लान पहले से, जब हमारा गाना हमने जब लाइनअप चालू किया तभी था कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे समथिंग किया तो गिफ्ट, तो लाइनअप वही था और वो सक्सेस लाइनअप था। तो अभी आज हमारा पोस्टर 12 बजे 12:30 बजे लॉन्च हुआ है हमारा पोस्टर, और गाना हमारा दिवाली के दिन रिलीज है। और अभी तो ट्विटर्स पे, हाँ, और आज की अभी की बात बता रहा हूँ, सुबह हमने पोस्टर डाला था 1 नंबर पे, ट्रेंडिंग अभी आ गया, मतलब कभी हमने करीबन 10-11 बजे डाला था, अभी 1 नंबर पे चल रहा है ट्रेंडिंग में ट्विटर पे पोस्टर। तो सिंगर की बात करें तो मतलब आपके जहन में जो अभी है तो किस तरीके से आपके जहन में है? ऋतु जी के तो मैं हम लोग फैन हैं पहले से, उनके सारे गाने सुपर हिट हैं, उन्होंने हमारा एक गाना गाया था इसके पहले बॉलीवुड, तो बॉलीवुड का जो टेक्सचर था गाने का, और ये गाने के लिए हमें एक अलग टेक्सचर चाहिए था। तो अब ऋतु जी को दिया गया तो उन्होंने भी 3-4 बार ये टेक्सचर पर प्रैक्टिस की, तो ये टेक्सचर चाहिए था, उस वजह से हमने ऋतु जी को दिया।